सब तो पहला तो आज जिहड़े साडे कोविड दे नंबर हैगे वो थोड़े चिंताजनक ने, हालांकि मैं जिहड़े आ नंबर है तुहाडे नाल ज़्यादा सांझे नहीं करता, तुसीं गल अखबार च पढ़ लेने हैगे, बट अज का जिहड़ा नंबर आया थोड़ा चिंताजनक आया है, इस करके मैं तुहाडे नाल सांझा कर रहा है। साडे हुण तक सवेर तो लैके 347 केस जिहड़े हैगे कोविड दे वो आ चुके ने। साडी जिहड़ी एवरेज केस कुछ दिन पहला तक जिहड़े 65-80 दे विच साडे एवरेज केस आ रहे सीगे, अज वो एवरेज जिहड़ी वध के 125 केस प्रतिदिन जिहड़े आ वो हो चुके ने। ये चिंताजनक इस करके हैगा क्योंकि सरकार ने पहला लॉकडाउन किया, फिर कुछ तुहानू रिलैक्सेशन दित्तियां ताकि तुहाडा जिहड़ा बिजनेस है, इकोनमी है, व्यापार है, वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना होवे, वो भी नाल नाल चलता रहे। बट ये इस उम्मीद नाल कीता सीगा कि जिहड़ा तुहाडा सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क पहनन दी पालना है वो भी नाल नाल तुसी जरूर करोगे, एंड मैनू पक्का उम्मीद हैगी तुसी ये करदे होगे। पर 350 केस जिले दे विच एक दिन च आना थोड़ा चिंताजनक है। इस दे उत्ते आपां जरूर विचार करिए कि जिहड़ी सरकार जिहड़ी प्रशासन तुहानू नाल नाल हदायतां दिंदी हैगी वो तुहाडे भले लई दिंदी है, उसकी पालना जरूर करो। मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करना, अपने हाथों की सफाई बार बार करना, हाथ साबण नाल धोना या सैनिटाइज करना, यह बड़ी जरूरी गल है। इनू काइंडली असी हर हफ्ते आके तुहानू कहिंदे आ, सियाने बजुर्ग तुहानू बार बार ये चीज़ां कहिंदे ने, तुहाडे घर दे विच अखबारां दे विच बार बार ये गल्लां आउंदियां, टीवी ते बार बार गल्लां आउंदियां, बट दिल से जरूर ये विचारना कि जदों भी तुसी घर दे विच घर तो बाहर जो निकलते हो तो तुसी मास्क नहीं पाया हुंदा या तुसी इकट्ठ दे विच जांदे हो, वो किते ना किते जिहड़े 350 नंबर है वो वधन दा एक कारण वो हैगा जिथे तुसी आपां इन्हां नियमां दी पालना नहीं करदे पए। 350 मरीज, 1280 मरीज इस वेले अमृतसर दे विच, जरूर ध्यान देना इस चीज़ बारे। इस दे नाल नाल एक जिहड़ी जानकारी मैं सांझी करना चाहुंदा हां वो ये है कि पहला जिहड़ा अपना वीकेंड दा लॉकडाउन हुंदा सी शनिवार ते ऐतवार दा, वो हुण शनिवार दा लॉकडाउन जिहड़ा है ख़त्म कर दिता गया, सिर्फ ऐतवार दा लॉकडाउन जिहड़ा वो रहूगा। मैं उम्मीद करांगा कि ऐतवार नूं घट्टो घट्ट तुसीं इस लॉकडाउन की पालना जरूर करोगे। इस दे नाल नाल जिहड़ी दुकानां पहलां 6:30 बजे बंद करन दे हुक्म सीगे वो हुण 9 बजे तक खुल सकदियां हैगियां, अते रात दा करफ्यू जिहड़ा है 9:30 बजे तो रात 9:30 बजे तो सवेरे 5 बजे तक ही रहूगा। उस तो पहला तुसी जिहड़ा अपनी दुकानां दे विच जा सकदे हो, बाहर आ सकदे हो, पर फिर तो मेरी ये बेनती है कि जदों भी तुसी इन्हां दुकानां च जाना है, भावें तुहाडी अपनी दुकान है भावें तुसी कोई खरीददारी करन जा रहे हो, ये जरूर मास्क पहनन की पालना ते अपने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना ये जरूर जरूर करनी है। जिन्हें भी जिले के हेल्थ इंस्टीट्यूशनस हैगे, अपने हस्पताल हैगे, वो 24 घंटे बिना किसी रोक टोक के जिन्हें भी वो मुलाजम ने, साडे डॉक्टर साहिबान ने, नर्सिंग स्टाफ हैगा, वो 24 घंटे 7 दिन वो अपना काम जिहड़ा कर सकता हैगा। इस तो अलावा जिहड़े साडे असेंशियल आइटम्स हैगियां, साडे कोई रेस्टोरेंट्स हैगे, साडे जिहड़े स्टेडियम्स हैगे, जिहड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैगे, वो भी ऐतवार वाले दिन 9 बजे तक खुले रह सकते हैं, उन्हां दे ऐतवार दे लॉकडाउन की जिहड़ी है वो नहीं अप्लाई होनी है। ये मैं तुहाडे नाल ये जिहड़ी नवी हदायतां आईयां सी वो मैं तुहानू नाल शेयर करना चाहुंदा। इस तो अलावा जिहड़े तुहाडे नाल एक होर इंपोर्टेंट जानकारी वो मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि पहलां जदों होम क्वारंटीन ते होम आइसोलेशन दे जिहड़े साडे मरीज़ हुंदे सी या जिहड़े व्यक्ति हुंदे सी उहनां दे घरां दे बाहर एक स्टिकर ला के जांदे सीगे, प्रशासन वाला एक स्टिकर लगदा सीगा कि ये जिहड़े स्टिकर हैगे इस घर दे विच होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति रहिंदे ने, वो जिहड़ी एक नियम सीगा वो सरकार वालों ख़त्म कर दिता गया हैगा। हुण किसी भी व्यक्ति नूं होम क्वारंटीन या आइसोलेशन की जाती हैगी उहदे घर दे बाहर हुण ये स्टिकर लाल रंग का स्टिकर लगदा सी, हुण अज तो बाद वो नहीं लगेगा। जे किसी दे घर लगदा हैगा तो सानूं जरूर दस्या जाए, उसनूं असीं तुरंत जिहड़ा हटवा दिता जाए। एक साडा जिहड़ा होम आइसोलेशन दा प्रोसीजर हुंदा सीगा उसनूं बहुत सौखा कर दिता गया हैगा। पहलां होम आइसोलेशन करन लई तुहानूं 2 परफॉर्में भरने पैंदे सीगे, एक परफॉर्मा तुहाडे जिहड़े डॉक्टर साहब वल्लों भरिया जांदा सीगा, एक परफॉर्मा साडे मजिस्ट्रेट वल्लों भरिया जांदा सीगा। हुण ये दोवें परफॉर्में खत्म कर दित्ते गए हैं अते जदों तुसीं अपना सैंपल दे रहे हुंदे हो उदों तुसीं सैल्फ सर्टिफाई कर सकदे हो कि जे तुसीं कल नूं बाय चांस पॉजिटिव आ जांदे हो
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ BP ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਜਾਓ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ ਕੇਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਹੋਜੂਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।